हेलो दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे गुफा के सामने। आप देख सकते हैं तो ये है मेन दुर्गा देवी का मंदिर गुफा। तो चलिए आते हैं अब बाहर के लिए। नमस्कार दोस्तों, पंकज कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बिल्कुल ही नई वीडियो के साथ में। तो आज का वीडियो होने वाला है फिर से एक संडे राइड वीडियो। तो हम लोग जाने वाले हैं दुर्गा देवी मंदिर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जोर से पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा पुराना वाला वीडियो जो लेस्टोन वाला था वो भी जरूर देखा होगा। हम पिछले संडे को गए थे और उससे पिछले संडे हम गए थे सिद्धवली मंदिर। तो वीडियो को जोर से लाइक कीजिएगा और बने रहेगा वीडियो में आखिर तक। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो फटाफट से शुरू करते हैं और रेडी होते हैं और निकलते हैं सफर के लिए। तो फाइनली दोस्तों रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये है मेरा आउटफिट। तो फटाफट चलते हैं अब, उसके बाद हमने जाना है स्कूटी में। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। तो चलिए फटाफट चला जाए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग हो चुके हैं रेडी दुर्गा देवी चलने के लिए। यहाँ पे मैं हूँ, मेरा दोस्त अमन है और मुझे उम्मीद है कि ये राइड बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी क्योंकि अभी तक हमने दो जगह घूम चुके हैं। तो फटाफट से चलते हैं स्कूटी में और ये है हमारी एक और साथी जिसमें हमने जाना है। निकलते हैं इस राइड में और फटाफट इस सफर को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आ चुके पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए। तो ये रहा अमन, लग गया लाइन पर और मैं चलता हूँ आगे। और ये है यहाँ पे से सामने का व्यू। अब यार तेरे को तो अभी दोस्तों जस्ट हमने लाल पुल पार किया है और हम रुके हैं आधे रास्ते में थोड़ा बहुत कैमरा सेटअप करने के लिए। तो वो रहा अमन, तो वो कर रहा है फ़ोन में बात। और ये रही कुछ यहाँ पे की रोड। तो अभी कैमरा सेटअप करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। तो देखते रहिए रास्ते में, मज़ा बहुत आने वाला है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गा देवी मंदिर में। स्कूटी हमने लगा दी है वहां पार्किंग में और इधर है दुर्गा देवी मंदिर। तो फटाफट से चलते हैं और जूते वगैरह उतारते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं मंदिर में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे मंदिर के लिए। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं यहां पे मंदिर के गेट पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है गेट, एकदम रोड के किनारे पे है ये मंदिर, दुगड्डा से पहले पड़ता है। तो आप कभी अगर विजिट करो तो ये वाला मंदिर में आप ज़रूर से जाना। तो आप देख सकते हैं ये है इसकी एंट्रेंस और ये है यहां नीचे मंदिर।
एकदम रोड के किनारे पे है और नीचे जाके देखेंगे हम, वहाँ पे एक गुफा है उसमें माता का मंदिर है। तो चलते हैं फटाफट, शूज़ आपको इधर ही उतारने पड़ेंगे, यहाँ पे शूज़ निकालते हैं और चलते हैं नीचे के लिए। तो फाइनली दोस्तों चलिए चलते हैं मंदिर में, हो चुके स्टार्टिंग, शूज़ हमने निकाल दिए हैं और ये है सामने घंटी, तो घंटी बजाई जाए। तो जैसे आप सीढ़ियाँ उतरोगे ये है वहाँ पे से सामने का व्यू, आप देख सकते हैं ये है काफ़ी अच्छी सी नदी। पहले यहाँ शायद फोटो शूट भी करने जाते थे लेकिन अब मेरे ख्याल से नहीं जाते हैं। तो ये है कुछ यहाँ पे से सामने की लोकेशन और ये है एक मंदिर। तो ऐसी लोकेशन है यहाँ पे से कुछ सामने की, और वहाँ पे मेरे कुछ है प्रसाद की एक दुकान, तो वहाँ पे से आप अपने घर के लिए प्रसाद ले सकते हैं और आप एक खूबसूरत सी नदी की आवाज़ यहाँ पे से सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है जिसके आप देख रहे हैं। यहाँ पे से कुछ कड़क फोटोज़ भी आएंगी तो वो सारी आपको देखने के लिए मिलेगी इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और ये देखिए आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत सा है, आसमान एकदम नीला, और ये है यहाँ पे की नदी। और ये अमन ने ले लिया है प्रसाद और अभी अभी चल के लेंगे प्रसाद उस सामने प्रसाद की दुकान से, और उसके बाद चलेंगे दुर्गा देवी मंदिर, इधर की साइड है गुफा, तो अभी चलेंगे फटाफट। ये बहुत पुराना मंदिर है, उसके अभी प्राचीन मंदिर वही है। अच्छा वहाँ नीचे। हाँ तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे मंदिर में, हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी भी हैं, तो अब फटाफट दर्शन करते हैं और उसके बाद चलते हैं वहाँ नीचे गुफा में। तो एक माता का मंदिर यह है, आप लोग भी दर्शन कीजिए दुर्गा देवी माता के। तो मैंने भी फाइनली प्रसाद दे लिया था, तो प्रसाद वरसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद चलते हैं। यहाँ तो ये यहाँ पे घंटियाँ थकी हुई नदी खतरनाक आ रही आजकल। फाइनली दोस्तों ये वाले मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए हैं, लेकिन जो सेकंड गुफा वाला मंदिर है उसके लिए रास्ता जाता है यहाँ पे से, ये वाला रास्ता आप देख सकते हैं, और ये रास्ता होते हुए जाता है उधर, वहाँ कहीं पे गुफा है। तो फटाफट से चलते हैं, आप देख सकते हैं कितना पतला सा गली टाइप की यहाँ पे से, इससे चलना है हमने वहाँ के लिए। तो फाइनली दोस्तों वो पतली सी गली हो चुकी है पार और अब हम आ चुके हैं अच्छे से रास्ते पे। ये गुफा और ये है यहाँ पे से सामने का व्यू। तो ये है, अभी आपको करवाते हैं गुफा के दर्शन। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं दुर्गा देवी मंदिर में और ये है प्रसाद वगैरह। तो सबसे पहले जलाई जाएगी धूप, सबसे पहले धूप जलाते हैं, उसके बाद आपको करवाते हैं गुफा के दर्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे करके भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ने जा रही है, दूर कमने चला गई है। आप करते हैं प्रॉपर से दर्शन, पहले दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे गुफा के सामने, आप देख सकते हैं ये है गुफा और ये है सामने का मंदिर, आप देख सकते हैं कि वो चल रही है ज्योत वहाँ पे। तो ये है मेन दुर्गा देवी का मंदिर, वो है मंदिर का मेन माता जी का मंदिर का ये है गुफा। तो चलिए आते हैं आप बाहर के लिए। फाइनली दोस्तों दर्शन करके आ चुके हैं अंदर से गुफा, बहुत ही बड़ी है तो आपने दिख ही लिया होगा इससे पहले वाली के लिए।
तो अब ये है थोड़ा बहुत सीधा सामान जो कि है माता के लिए, तो फटाफट इसको चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, दर्शन भी हो चुके हैं। मेरे सामने है मंदिर, तो अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं। आपको भी हमने दर्शन करवा दिए हैं, तो अब चलते हैं वापसी घर के लिए। चलो हम आ चुके हैं, तो फटाफट से चलते हैं। इसलिए दोस्तों, दर्शन करके आ चुके हैं वापस पार्किंग में लेने के लिए अपने वाहन को। तो ये है हमारी स्कूटी। और ये है अवन। सुबह तो मौसम सही था, लेकिन अब हो चुके हैं धूप बहुत ज़्यादा कड़क। तो अब चलते हैं वापसी के लिए। टाइम लगभग 1 बज गए, हम सुबह आ गए थे करीबन 9 बजे के टाइम पे। तो फाइनली दोस्तों, मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। हमने भी दर्शन कर लिए, आपको भी दर्शन करवा दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जोर से पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ बनते रहेंगे, आते रहेंगे। आप चैनल के साथ जरूर से बने रहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को एक नया वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। और अगर मैं कहीं नहीं भी जाता हूं तो संडे के दिन मैं एक ब्लॉग आपके लिए रिकॉर्ड करूं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जब से पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जब से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जब से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।